हाय हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ये एसटीएल फाइल क्या होती है, इसको हम कैसे जनरेट करते हैं और इसको हम किस तरह से 3D प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपके पास लेके आऊंगा कि हमारे पास अगर सपोज एसटीएल फाइल है, मे बी आपके पास सॉलिड फाइल नहीं है या आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, डायमेंशंस नहीं है, आप या किसी कंस्ट्रेंट की वजह से, किसी प्रॉब्लम या किसी लिमिटेशन की वजह से आप सॉलिड फाइल नहीं बना सकते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि आप एसटीएल फाइल को यूज़ करके हम सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, वैसे तो नॉर्मली हम जब सिमुलेशन में करते हैं तो हमारे पास कोई भी कैट सॉफ्टवेयर, आप सॉलिड वर्क केटिया या कंसोल में इनबिल्ट रहता है, एनसिस में भी इनबिल्ट रहता है, देन आप डायरेक्ट वहाँ ज्योमेट्री मॉड्यूल में जाके आप ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको सिमुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट एसटीएल फाइल कैसे डिफर करती है सिमुलेशन में और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और हम एसटीएल फाइल से कैसे सिमुलेशन कर सकते हैं, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी ये एस टी एल फाइल होती क्या है। एस टी एल फाइल, इसका देखो जो एब्रीविएशन है, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, वो है, ये शॉर्ट फॉर्म है स्टीरियो लिथोग्राफी का। इसको डेवलप किया था 3D सिस्टम्स ने। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने ये एक सॉलिड वर्क में हमने एक ये सिलेंडर बनाया हुआ है। इस सिलेंडर को या डिस्क बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, एक हमारे पास डिस्क है। ओके, तो होता क्या है कि ये जो हमारी एस टी एल फाइल जो होती है, ये इसको हम लोग स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर इसको स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो एस टी एल फाइल फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग और 3D प्रिंटिंग में यूज करते हैं। और होता है क्या कि जो एस टी एल फाइल, हम जैसे हमारे पास ये सॉलिड मॉडल था, इसको हमें एस टी एल में कन्वर्ट करना था, देन ये इस पूरे के पूरे सॉलिड को ये ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। आपके जितने ज़्यादा ट्रायंगल्स होंगे उतना ही आपका रेजोल्यूशन फाइन होगा और उतना ही आपको प्रिंटिंग में टाइम लगेगा एंड उतना ही बड़ा उस फाइल का साइज होगा। अगर आप बहुत छोटा कर देते हैं देन आपका क्या होगा कि आप सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, देन क्या होगा कि ये कि ऐसे करके एक ट्रायंगल बन गया, तो ये वाला पार्ट आपका प्रिंट नहीं होगा, ये वाला भी आपका पार्ट प्रिंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या है कि हमको ऑप्टिमम ट्रायंगल्स लेने हैं कि आपका पार्ट भी अच्छे रेजोल्यूशंस और डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ प्रिंट हो जाए और आपका टाइम भी कम लगे और आपका फाइल का साइज भी ऑप्टिमम रहे, तो हमको एक ऑप्टिमम सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद हम जैसे भी किसी भी सॉलिड पैक सॉलिड कैड पैकेज में जब हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, मैंने ये वाली फाइल क्रिएट की थी तो इसका नाम है पार्ट वन। इसके बाद जब इसको हम सेव करेंगे, तो अगर आपको सॉलिड फॉर्म में सेव करना है देन आपके पास पार्ट और डॉट ये SLD PRT, इसके बाद आपके पास यहाँ से देखिए स्टेप फाइल भी है, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जब भी आप सेव करने जाते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे करके, तो आपको ये इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जैसे यूज़ करना है। आपको इमेज अगर बनानी है देन आप JPG, और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। STL में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है .STL, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हमारे पास देखिए जो हमारे पास ये एक डिस्क थी, इसको हमने दिखाया है, हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइन रेजोल्यूशन लिया हुआ है। अभी हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट आगे आगे वाले आने वाले स्लाइड में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास जो ये डिस्क है, इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में सोने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रायंगल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2880 ट्रायंगल्स हैं और इसका फाइल का साइज क्या है। और जैसे ही तुम इसको जब हम सेव करते हैं तो ये बाइनरी में सेव होता है। ओके, तो ये हमारा ऐसे STL में आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। नेक्स्ट हम बताते हैं कि STL में होता क्या है। जैसे STL फाइल, सपोज हमारे पास क्या था, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, एक मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जैसे एक ये सर्कल है और हमारे पास एक ये आउटर सर्कल है। जब आप इसको STL में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें ये जो डॉटेड डॉटेड सर्कल था, बट आप जैसे इसको STL में कन्वर्ट करेंगे देन होगा क्या, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। जैसे हमारे पास देखिए ये एक ट्रायंगल आया, आपका ये ट्रायंगल आया, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है आपका, इस तरीके से ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे तो मटेरियल है ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रायंगल का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है, तो ट्रायंगल आपके इस तरीके से बनेंगे। यहाँ से देखिए एक, आप यहाँ से अगर गिनना शुरू करें तो
हम गिन सकते हैं, ये ए वाले को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, देन 1 2 3 4 5, हालांकि आपको ऐसे भी ट्रेंगल हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो भी यहाँ पे ट्रेंगल बने आप इनको काउंट कर सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। अब आइडियली जो आपका पाथ था वो सर्कुलर का ये प्रिंट होना चाहिए था, बट जब आप इसको प्रिंट करने जाएंगे, सपोज आपका जो प्रिंटर का नोजल होता है वो इस पॉइंट पे है, तो आइडियली उसको ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ऐसे ना जाके, आपने पिक्सल के बारे में पढ़ा ही होगा कि अब उसको हम इतना इतना एक मतलब जितना रेजोल्यूशन होता है उतना ही आपका ये क्लोज क्लोज जाता है। तो अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये इसका पॉइंट था, तो जब हम इस वाले पार्ट को प्रिंट कर रहे होंगे तो हमारा जो टूल होगा वो ऐसे मूव करेगा, तो हमें चाहिए ये था बट उसने प्रिंट ये किया, तो इतनी हमारी ये इनएक्यूरेसी आ गई। ओके, तो अगर आप इसका सिमुलेशन करने जा रहे हैं देन आप मेस करेंगे, तो अब क्या होगा, ये जो हमारी इनएक्यूरेसीज आ रही हैं यहाँ पे, तो इसमें इसका भी मेस होना पड़ेगा, तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो अब ये नेक्स्ट, अभी इस वाले पॉइंट पे पहुँच के देखिए, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये जब इसको आप प्रिंट कर देंगे तो एक ये सर्कुलर ना होके आपका ये इस तरीके से कुछ बनेगा। आप इस पे उंगली रख के आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, आप यहाँ पे आएंगे तो एक साथ फिर एक साथ फिर एक साथ, ऐसे इसी तरीके से आउटर के लिए। तो ये जो रेड है वो हमारा कैड मॉडल है, सॉलिड मॉडल है, और जो हमारे पास ये है एसटीएल फाइल है जो कि ट्रैंगुलेटेड कर देता है इस पूरे को। तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है एसटीएल जो होता है बाइटली, इसको हम यूज करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग में, 3D प्रिंटिंग में, एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्टेड बाई मैनी अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ओके, इसके बाद आपका जो ये रहता है, ये जो प्रोसेस है टेसेलेशन जो है, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द सर्फेस। हमारे पास ये सर्फेस थी पार्ट इंटू ट्रैंगल्स, ये इसको ट्रैंगल्स में तोड़ देता है। इफ द एसटीएल यूजेस टू फ्यू ट्रैंगल्स, अगर आपके ट्रैंगल्स कम है, कर्व सर्फेसेस विल बी फेसेटेड हो जाएगी आपकी, मतलब उसमें आपको मल्टीपल साइड्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे है, अब ये एक जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज आप उंगली रखिए, इसको मूव कराइए, आपको कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, बट आप ट्रेंगल्स में कन्वर्ट हो रही है एसटीएल में, आप यहाँ से आएंगे यूनिफॉर्म, बट आपको यहाँ से डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी कहना ठीक नहीं होगा, बट यहाँ से आपको कुछ अजीब सा लगेगा, जैसे इधर आए इधर आए, तो ये सर्कुलर ना होके यहाँ से देखिए इस तरीके से, यहाँ पे ये सिंगल साइड अगर इसको हम मान लें तो यहाँ पे हमको ये दो साइड मिल रही है, 1 एंड 2। ओके, तो इसके बाद क्या है कि दीज फेसेटस विल सो अप ऑन द प्रिंटेड पार्ट, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा अभी ये। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर द एसटीएल हैज द करेक्ट रेजोल्यूशन, तो हमको यहाँ पे करेक्ट रेजोल्यूशन लेना है। आइदर आपके ट्रायंगल्स ज्यादा होंगे देन आपका टाइम ज्यादा लगेगा, मेमोरी साइज ज्यादा होगा और एक्यूरेसी उतनी ही रहेगी, ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके ट्रायंगल्स कम है फाइल साइज देन कम होगा, टाइम कम लगेगा, बट आपको ये फेसेटेड टाइप का मिलेगा, मतलब आपका ये आपको चाहिए था सर्कुलर, आपको ये कुछ इस तरीके से प्रिंटेड मिलेगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए हमारे पास जब भी हम सॉलिड वर्क का, ये मैंने आपका एग्जांपल लिया, आप किसी और सॉफ्टवेयर का करते हैं देन हो सकता है कि उसका इंटरफेस कुछ अलग तरीके से आए। तो जब हम इस एसटीएल फाइल को सेव करने जाते हैं, हमारे पास दो रहते हैं, एक बाइनरी और ये एक आस्काई टाइप का रहता है। यूनिट आपका मैंने एमएम ले रखा है। हमारे पास जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन वो इन्होंने दिए हैं वो है कोर्स, फाइन एंड कस्टम। अगर आप कोर्स लेते हैं तो देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल्स थे, बट ये आपको एक हेक्सागन टाइप का लग रहा होगा, ये भी देखिए इसमें हेक्सागन नहीं, ये पॉलीगन है, बट ये आपको प्रिंट करेंगे तो एक सर्कुलर नहीं आएगा। ओके, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फाइन, बाइनरी ये सेम रखा है हमने, फाइन कर दिया, फाइन आपने किया, आप देख सकते हैं कि ये देखिए सर्कुलर ज्यादा हो गया। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है कस्टम, आपको बहुत एक्यूरेट पार्ट प्रिंट करना है, देन आप क्या करेंगे, जो ये डिविएशन है और जो एंगल है इसको आप क्लोज टू जीरो ले आएंगे, जैसे यहाँ पर टॉलरेंस 10, 0.019, ये 0.002, 0.5, मतलब क्लोज टू जीरो हो गया तुम्हारा ये, इसको हम सबसे लास्ट में कर दिया हमने इसको भी। बाकी आप इसके और इसके बीच में एक ऑप्टिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं, देन आपका टाइम कम लगेगा और आपको फाइल साइज भी आपका कम रहेगा, देन आपका काम इजीली हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब हम आपको 3D प्रिंट यानी कि हमारे पास जो स्लाइस, हम 3D प्रिंट तो अभी नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी दिखाएंगे, बट अभी हम जो हमारे पास स्लाइसर होता है जो जी कोड जनरेट करता है ज्योमेट्रीज के, हम आपको उसमें दिखाएंगे कि कितना टाइम लग रहा है और हमारा पार्ट किस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। तो हमने जो सेटिंग ली है ये डिफॉल्ट सेटिंग हमने ले ली है सबके लिए, हम यूनिफॉर्म सेटिंग लेंगे तभी एक अच्छा सा कंपैरिजन हो पाएगा। ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि ये 3D प्रिंटिंग में लेयर हाइट, ड्राई स्पीड, ये सब इनका क्या इफेक्ट पड़ता है।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिया है फाइन रेजोल्यूशन, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमारे पास फाइन था, एक हमारे पास कोर्स था और एक कस्टम था। तो हम फाइन की बात करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल ज्योमेट्री थी। जब हमने फाइन किया तो देखिए इसने क्या किया है, इस यहाँ तो हमारा कोई स्पेस है नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसने देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इसने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, देखिए ये ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ये देखिए तुम्हारे अल्टरनेट ट्रायंगल्स आ रहे हैं। तो जो हमारे टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं 488, फाइल का साइज है आपका इतने बाइट। ओके, इसके बाद जब हम इसको हमने स्लाइसर में डाला तो देखिए ये इस जब प्रिंट होके आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेसेस दिख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, एकदम सर्कुलर नहीं है। ओके, तो अब आपको ये देखना है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है दो पार्ट्स के बीच में, सपोज आपके पास एक ये है एक और पार्ट के अंदर इंसर्ट करना है, अब देन रिलेटिव मोशन हो रहा है, देन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फ्रिक्शन ये ज़्यादा जनरेट करेगा वहाँ पे। देन आपको ये जो फेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इनको कम करने के लिए आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे हमने प्रिंटिंग टाइम दिखाया है, हमारे पास 25 मिनट और 52 सेकंड का टाइम लग रहा है, फिलामेंट की लेंथ 1 मीटर हमारी लग रही है। ओके, तो ये फाइन रेजोल्यूशन के केस में हमने आपसे बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्स रेजोल्यूशन की। तो कोर्स रेजोल्यूशन में भी हमारे 1 मीटर ही लग रहा है, टाइम हमारा 26 मिनट लग रहा है, जबकि फाइन में हमारा 25 मिनट लग रहा था। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, कोर्स में तो टाइम कम लगना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं इसको। तो हमारे पास जो ट्रायंगल्स थे, ट्रायंगल्स 488 ट्रायंगल्स थे हमारे फाइन रेजोल्यूशन में, और जो हमारा कोर्स रेजोल्यूशन है इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे 304 हैं, तो इसमें हमारे कम ट्रायंगल हो गए। ओके, इसके बाद आपका ये फाइन था और ये कोर्स। कोर्स में आप देख सकते हैं कि ये फेसेस और ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं आपके, और ज़्यादा इनएक्यूरेट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हम आ जाते हैं कस्टम पे। कस्टम पे हम गए तो हमारे आप ट्रायंगल्स देख सकते हैं, ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियली बोलना सही रहेगा यहाँ पे, 3456। अभी आपके ट्रायंगल्स कितने थे, 304 एंड 488, तो ये एक्सपोनेंशियली आपके ट्रायंगल्स बढ़ गए यहाँ पे। फाइल का साइज भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टाइम में ज़्यादा, अभी तो क्योंकि ये छोटा सा फाइल था तो टाइम में उतना आप डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, 27 मिनट लग रहा है। ये जो कोर्स वाला है इसका मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है, 26 मिनट और 49 सेकंड लग रहे हैं इसमें, और जो फाइन था इसमें 25। आई थिंक फाइन का ज़्यादा होना चाहिए था, बट एज़ कम्पेयर टू फाइन और कोर्स, क्योंकि हमारा सबसे जो बेस्ट है वो कस्टम, हमने यहाँ पे 0-0 के क्लोज कर दिया था, तो इसमें हमारा टाइम सबसे ज़्यादा लग रहा है, जो कि जस्टिफाइड भी है। ओके, और इसका साइज क्या है, कितने ट्रेंगल्स बन रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया है। अब हम लोग सपोज हमारे पास कोई लिमिटेशन है या कुछ ऐसा है, आपके पास जो एकेडमिक लाइसेंस है उसमें आपके पास कैड इम्पोर्ट मॉड्यूल नहीं है, देन आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट, आप किसी भी फाइल को इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, देन आप इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका सिमुलेशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, आइदर आप कंसोल पे ही अपना डिजाइन करें, क्योंकि कंसोल का थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा बट ये है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं लाइक सॉलिड वर्क चला रहे हैं देन थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आप अगर उस पर प्रैक्टिस करेंगे देन कंसोल भी आप सीख जाएंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप कंसोल्स की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको देखना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री पर्टिकुलर सिमुलेशन करना है देन आप कमेंट सेक्शन में आप करके बता सकते हैं, मेरे पास जब भी टाइम होगा तो मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अगर आपके पास जैसे हमारे पास कैड इम्पोर्ट मॉड्यूल नहीं है या कुछ वैसी लिमिटेशन है कि आप वो बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, मोस्टली हम बात करेंगे जैसे हमारे पास जो पोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, तो वहाँ पे सॉलिड पार्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे यूजली हमारे पास एसटीएल फाइल ही जनरेट होती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास जो एसटीएल फाइल होगी उसको हम बताएंगे कि वॉल्यूम मेश में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे और सिमुलेशन कैसे करेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आपको हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको ऐसा लगता है कि इससे आपकी कोई हेल्प हुई है, देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा एज पर माई टाइम। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।